इंडस्ट्री में वो ऐसा बंदा ढूंढ रहे थे जो वो मैंने प्यार किया स्पैनिश डब वर्जन चेक करके बोले कि ये फिल्म बराबर डब हुई है ब्लैक बक इंसिडेंट आनंद बाबू महेश ठाकुर आनंद बाबू ओके काशिरी 75 फाइव ईयर्स के सेलिब्रेशन में आज है हमारे साथ में वो एक्टर जिन्होंने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा है और हमेशा तरह तरह के किरदार से अपने फैंस को हमेशा अपने रंग में रंग लिया है जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ आपकी मेरे फेवरेट पसंदीदा आनंद बाबू की नमस्ते सर थैंक 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 यू 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 फॉर हैविंग मी सबसे पहले तो ये बताइए है, कैसे हैं आप मैं बिल्कुल ठीक हूँ वी क्रॉस्ड कोविड स्मूथली कुछ हुआ नहीं मैंने इंजेक्शन लेता हूँ तो क्या जहन में आता है आपके आनंद सुनकर आनंद बाबू एक ऐसा कैरेक्टर है जो बहुत ही अच्छा इंसान है ओके, okay? उनके दिल में कुछ गलत बात नहीं है किसी के लिए वो सबका अच्छा ही चाहता है और सबसे प्यार करता है वो ही वॉज जस्ट अ लविंग कैरेक्टर दिट्स माइंड माई टेक ऑन आनंद बाबू चलो दुल्हन आगे जी, अपने नन, नन तो इसे मिलो जी, को ये न करें नाराज आशिकाना है आपका क्या रिएक्शन था जब ये किरदार आप तक पहुंचा और उस वक्त आपको ये लगा था कि इस कैरेक्टर को लोग इस तरीके से स्वीकारेंगे इतना प्यार देंगे ओके okay, सबसे पहले मेरी कास्टिंग कैसी हुई उस पर बात करते हैं मेरी कास्टिंग ऐसी हुई कि मैं उस वक्त सीरियल कर रहा था दरार लेक टंजन जी डायरेक्टर थे और उस वक्त मेरे ख्याल से आ, मैंने प्यार किया वो स्पेनिश में डब किया गया था जिसका टाइटल था ते आमो मतलब स्पेनिश में आई लव यू अब इंडस्ट्री में वो ऐसा बंदा ढूंढ रहे थे जो वो मैंने प्यार किया स्पेनिश डब वर्जन चेक करके बोले कि ये फिल्म बराबर डब हुई है पता चला कि मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो स्पेनिश फ्लुएंटली बात करता है तो लेख जी ने मुझे आखिर कहा कि आपसे एक फेवर है मैंने बोला कहिए सर मेरे डायरेक्टर हैं आप तो कहा कि, कि राजश्री पिक्चर्स तो आप जानते हैं, आप जानते हैं।, आप जानते हैं। तो मतलब वहाँ पे आपको एक जाके फिल्म देखनी है जो स्पेनिश में डब की है और आपको उसका रिपोर्ट देना है कि डब बराबर हुआ है कि नहीं, नहीं बिल्शुल बिल्कुल कर लूँगा मैं तो अपॉइंटमेंट फिक्स किया गया था मैं गया राजश्री ऑफिस वहाँ पर एक मिनी थिएटर है बहुत ही खूबसूरत मिनी थिएटर आई थिंक इट्स अ फोर्टी सीटर और समथिंग वो पूरा थिएटर खाली था मी एंड माई वाइफ उस वक्त मेरी नई नई शादी हुई थी वी बोथ सैट एंड सॉ ते आमो मैंने प्यार किया इन स्पेनिश मैंने मुझे एक पैड दिया गया था वहाँ पे मैं नोट करता गया क्या डायलॉग सही कहा है क्या गलत है या क्या वो रेडी करके उसके बाद एम एंटेड मेट राजबू जी ओ आई प्रे फॉर हिम ही मेटर्स आई हिम द लिस्ट उन्होंने चेक किया ही वॉज़ वेरी हैप्पी और जाने से पहले कहा कि एक बार आप uh, सूरज जी से मिल लीजिए अब सूरज जी वॉज यू नो दी सूरज जी आफ्टर हम आपके हैं कौन इट इज लाइक पूरी इंडस्ट्री उनके साथ काम करना चाह रही थी एंड यू नो इट वाज लाइक सच अ तो मैं थोड़ा सा नर्वस हो गया कि <laughs> सूरज जी बट uh, मैं उनके ऑफिस में गया सूरज जी दो मिनट मिले मुझसे हाथ हाथ मिलाया एवरीथिंग इज नाइस बाय बोल के मैं निकल गया मेरी वाइफ मुझे कह रही थी आपने काम क्यों नहीं मांगा मैंने बोला मैं कैसे मांगू आई एम नॉट अ मूवी स्टार यू नो आई एम जस्ट अ टेलीविजन एक्टर नहीं पर मौका था यू शूड हैव स्पोकन टू डम एटलीस्ट बोल देते कि यू इंटरेस्टेड मैंने कहा जिस तरह से सूरज जी है जो मैं जानता हूँ और जिस तरह से राज बाबू जी है अगर कुछ रोल होगा ना तो मेरे घर का फ़ोन बजेगा ये कह के मैं वहाँ से निकल गया दो तीन दिन हो गए फोन बजा इट वॉज गुप्ता जी ऑन द फोन ओके तो गुप्ता जी कह रहे थे कि महेश ठाकुर मिलना हाँ इस मैं गुप्ता जी बोल रहा हूँ फ्रॉम राजश्री प्रोडक्शंस आपसे सूरज जी मिलना चाहते हैं मैं बोला जी बिल्कुल किस सिलसिले में नहीं एक रोल निकला है वो चाहते हैं कि आप आकर एक बार मिल लो मेरा फोन हाथ से गिर गया <laughs> मैंने तुरंत अपनी वाइफ को कहा कि देखो चार दिन हो गए तो यू नो दिस इज़ वॉट इट इज़ तो मैं गया मिलने ऑब्वियसली वहाँ पे जकी जी थे जकी जी मी मेड मी सिर विद गुप्ता जी उसके बाद आई एवेंटन साइड मेट सूरज जी सूरज जी से हाँ देर इज़ अ रोल आई वॉन्ट टू हियर इट मैन बोला मैं कर रहा हूँ बोला नहीं पहले आप सुन लो मैंने बोला मैं कर रहा हूँ <laughs> नहीं पहले रोल सुन लो तो उसके बाद दे वॉज स्टोरी सेटिंग मुझे रोल सुनाया गया था वो स्टोरी सेटिंग के बाद मैंने तुरंत कहा मैं कर रहा हूँ राजी से नो मैंने बोला ये क्या हो रहा है भाई मैं हाँ हाँ बोल रहा हूँ मना कर रहा है राजओजी ने बोला नहीं हम हमेशा आर्टिस्ट को 24 घंटे देते हैं कि आप घर जाके इसके बारे में सोचो और फिर अपना जवाब दो बिकॉज दिस इज़ अ कमिटमेंट ऑफ ओवर टू ईयर्स आप इस बात को ध्यान में रखो टू ईयर्स बोला हाँ ये जो फिल्म हमने डिज़ाइन किया इज टू रन अक्रॉस टू ईयर्स इन द मेकिंग मैं गया घर मैंने देखा अपनी घड़ी बारह बज गए थे बारह एक को मैंने डिसाइड कर लिया था इट्स इट्स नेक्स्ट डे आई एम डूइंग द प्रोजेक्ट तो मैंने फोन करके कहा कि आई एम डूइंग द प्रोजेक्ट गुप्ता जी कॉल मी गे मी मै साइनिंग अमाउंट एंड आई लॉक दिन डेट शीट दिया गया था बाय डेट शीट दिया गया था विच वॉज एडवांस प्लानिंग फॉर द शूट विच वॉज गो टेक प्लेस आफ्टर ए यर एंड हाफ एक साल सवा साल के बाद तो पूरा डेट शीट था मेरे सामने दिस इज द अमाउंट ऑफ प्लानिंग हम साथ साथ है, है। इस कैरेक्टर को इतना ज़्यादा प्यार मिला है इस कैरेक्टर को क्या अगर मैं कहूँ तो हम साथ साथ है कि सारे कैरेक्टर को इतना प्यार मिला है हर एक कैरेक्टर की एक अलग डिमांड है अलग एक ऑडियंस है तो उस वक्त आपको लगा था कि लोग इस तरीके से उसको एक्सेप्ट कर लेंगे और इतना प्यार मुझे मिलेगा कि आने वाले इतने समय के बाद में भी लोग मुझे बोलेंगे कि यार तुमने आनंद बाबू प्ले किया था वो लगा था सर आपको नहीं नहीं आई आई जस्ट मैंने उस वक्त सिर्फ अपना काम किया था

और वन सीनियर आर्टिस्ट केम एंड सेड दैट आई विल टेक दिस वैन उनका नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ मैंने बोला ठीक है बिकॉज मुझे जकी uh, जी ने वो मेकअप वैन दिया गया था तो आई गॉट आउट बोला आप रूम में शिफ्ट हो जाइए रूम वॉज अ लिटिल फार तो जब मैं निकल जब मैं निकला वहाँ पे अपना रूम ढूंढने के लिए तो जकी जी ने पकड़ा बोला आपको किसने बोला वहाँ के लिए ऐसे कोई आर्टिस्ट आए थे बिकॉज वो वैन्ज वो पाक्ड क्लोज टू द सेट ना ऐसा नहीं कम विथ मी वहाँ पे गए एक्चुअली उस आर्टिस्ट ने नहीं कहा था उनके जो मैनेजर है उन्होंने कहा था कि ही वुड लाइक टू टेक दिस तो वहाँ जब आए थे तो उन्होंने मैनेजर को बोला कि आ, ये हमारे आर्टिस्ट के लिए है आपका वहाँ पे है सो दैट वाज़ द फर्स्ट टाइम आई एक्सपीरियंसड लॉट ऑफ रिस्पेक्ट कि इवन बींग न्यू पर्सन ऑन द सेट मुझे इस तरह का रिस्पेक्ट दिया जा रहा है दैट वॉज फर्स्ट उसी दिन शाम को सलमान खान केम टू माई वैन मेट मी मेड फ्रेंड्स विथ मी यू नो वो मेरे वैन में आया ही वेलकम्ड मी तो द माहौल ऐसा था इट वॉज अ वेरी फ्रेंडली वेरी वेलकमिंग टाइप ऑफ एटमोसफियर कोई कोई एक ऐसी याद जो आप बताना चाहें जो आप शेयर करना चाहें जो लोगों के सामने अभी तक ना आई हो okay. और जो सिर्फ आप ही जानते हो okay. <laughs> वो अगर आपने फिल्म देखी ऑब्वियसली वो एक सीन था लड़का लड़की वो सीन मुझे सुनाया नहीं गया था जब नरेशन हुई थी लेकिन जिस दिन वो शूट होने जा रहा था सूरज जी के बंसर मैंने एक सीन डाला है फिल्म में ओके फाइन नहीं वो आप पे है बोला सॉरी हाँ आप पे वो सीन है मैंने बोला फैंटेस्टिक क्या है सीन जीजा जी साधना भाभी आपको पहले एक लड़का होगा फिर लड़की मुबारक हो <laughs> तो मुझे सीन पढ़वाया आई वॉज़ वेरी हैप्पी विद द सीन और बाद में सूरज जी ने मुझे कहा ही सेज हम जब फिल्म बनाते हैं तो हम बहुत कुछ एडिट करते हैं तो जो मैंने आपको सुनाया था वो पूरा एडिटेड वर्जन था लेकिन ऐसी कई चीज़ें हैं जहाँ वी फील इफ द आर्टिस्ट इज़ गुड एंड नाफ़ यू कैन मैनेज इट वो अच्छा लगेगा हम लोग बाद में डालते हैं तो दिस वॉज एडिड आफ्टर सी यू एंड सींग द माहौल जिस तरह से बना है ये सीन मैंने ऐड किया है तो आई वॉज वेरी टचड बाई दिस जेस्टर कीज लाइक कोई डायरेक्टर आपसे कहे कि यू आर अ गुड आर्टिस्ट फॉर कंपनी सो इट वॉज अ ग्रेट मोमेंट दैट वॉज वन थिंग काफी काफ़ी एक्टर्स थे उसमें सारे के सारे मोरिश जी थे सलमान खान थे वो लोग सेट पर किस तरीके से हुआ करते थे आप लोगों के साथ में बाकी कास्ट के साथ में वेल वी आर ऑल फ्रेंडली मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम सेफ के साथ मेरी अच्छी बॉन्डिंग रही थी स्पेंड टाइम टुगेदर ऑन द सेट इवन ऑन द मेकअप वैन मतलब हंसी मजाक वो सब mm -hmm. चलता रहता था एंड विद द लेडीज आई थिंक इतना बॉन्डिंग मेरा नहीं था रिस्पेक्ट uh, था बिकॉज आई दिवर अमंग्स दम सेल्वस मोस्टली बट सैफ के साथ मेरा अच्छा था सलमान के साथ था मोनीश के साथ था अफकोर्स सीनियर आर्टिस्ट रीमा जी के साथ बिकॉज रीमा जी के साथ मैं ऑलरेडी तो में कर चुका था सो दैट वॉज द या मतलब सब थे टुगेदर शूट के दौरान की अगर जर्नी की अगर बात की जाए तो किस तरीके के चैलेंजिंग फेस आपने देखे और कोई ऐसी यादें कोई और ऐसी मेमोरीज जो आप बताना चाहें राशि से जुड़ी हुई <laughs> ब्लैक बक इंसिडेंट <laughs> 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 वो जब इंसिडेंट हुआ था बाप रे इट वाज समथिंग एल्स ऑल टुगेदर मतलब हमें कहा गया था कि विल फिनिश द शेड्यूल ऑन सो सो डेट एंड सेवन डेज एक्स्ट्रा लिए गए थे और हुआ वही कि वी हैड टू शिफ्ट द शूटिंग फॉर दो सेवन एक्स्ट्रा डेज़ जो साइड पे रखे थे इट वाज आई थिंक द ब्लैक बॉक इंसिडेंट वाज अ वेरी बैड थिंग विच हैपेंड ऑन द सेट बट टच वुड एवरीथिंग वाज फाइन सलमान केम आउट क्लियर एवरीथिंग वाज क्लियर बट वो एक दौर ऐसा चला था हमारे हमारे शूट में जो कभी भूल ना पाऊँगा मैं बट या अदर देन दैट दर वॉज नथिंग विच इट वॉज स्मूथ इट वॉज ऑल हैप्पी फन इट वॉज एवरी ग्रेट यू नो ऐसा कुछ नहीं था शूटिंग एक्सपीरियंस किस तरीके का हो, होता था आप लोग का उस वक्त में क्योंकि जहाँ तक मुझे मालूम है कि आज के वक्त में अगर देखा जाए तो ज़माना काफ़ी चेंज हो गया है चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं शूटिंग के पैटर्न बदल गए हैं फॉर्मेट बदल गए हैं तो आपका क्या किस तरीके डिफरेंस देखते हैं आप okay. तब के सिनेमा में और आज के सिनेमा में इन दोनों में वीज टू हैव समिंग कॉल द फिल्म कैमरा जो फिल्म रोल करती थी जो नेगेटिव चढ़ता था आज वो नहीं है आज वी हैव एवरी डिजिटल तो उसमें वो स्ट्रेस हुआ करता था कि यू बेटर गिव अ राइट शॉट बिकॉज वो एक जो रील हुआ करता था यूज टू कॉस्ट अबाउन थर्टी फाइव थाउजेंड रुपीज़ और फोर्टी थाउजेंड रुपीज़ और अगर आप रीटेक पे रीटेक रीटेक पे रीटेक तो मतलब प्रोड्यूसर का खर्चा बढ़ता है यू अंडरस्टैंडिंग मन से तो वो एक स्ट्रेस हमेशा रहता था कि जब एक्शन बोलते थे आवाज़ आता था कैमरा रोलिंग का <laughs> आप एक नर्वस सा yeah. आपको फील होता था कि आई हैव टू गिव अ प्रॉपर टेक यू नो तो कम टू द मार्क टेक द लाइट से द करेक्ट डायलॉग ये सारी चीज़ें हुआ करती थी सो दैट वॉज वन बट सूरज जी मेड अस फील दैट यू नो बोला आप अपने हिसाब से काम करो आई एल टेक माई शॉट वॉट एवर यूर कम्फर्टेबल विद सो इट इज टू बी दैट वे बट दैट वॉज वन थिंग आई वुड से सूरज सर किस तरीके से बताते थे आप लोग को अगर कुछ बताना चाहें आप वो थीम को किस तरीके से आप लोग को कोर्डोनेट करते yeah. थे आजकल के जो डायरेक्टर्स है मोस्टली नॉट सारे नहीं हैं वो माइक पे बोलते हैं भाई थोड़ा सा और स्माइल करो ऐसा करो वैसा करो चला देते हैं मतलब पूरी पब्लिक वो कैमरा मैन लाइटमैन क्या कैसा एक्टर देने सूरज जी ऐसा कभी नहीं करते आ। थे सूरज जी आके हाथ थाम के कोने में ले जाके सॉफ्टली समझा के अपना मुझे कंफर्टेबल करवा के जाके शॉट लेते थे रोल एक्शन बस तुरंत उनका फिंगर ऊपर था गॉट इट गॉट इट सो इट वॉज इट मेड आई वॉज वेरी कम्फर्टेबल एज एन एक्टर यू नो पहली बड़ी फिल्म थी फॉर मी एंड टू बी कम्फर्टेबल वॉज वेरी इंपॉर्टेंट तो या यू नो किस तरीके से उन्होंने आपको कंफर्टेबल कराया अगर आपकी अगर उनसे पहली अगर मुलाकात की अगर बात की जाए जब आप बैठे हो या I उन्होंने think, सीन एट किया ही नेवर मेड मी फील कि वो इतने बड़े डायरेक्टर हैं you know, यू नो डन मैंने प्यार किया इज डन हम आपके हैं कौन सच बिग मनी स्पिनर्स ही इज़ डायरेक्टिंग सच ए बिग मूवी तो वो जो फील था उनके अंदर टू मेक मी यू नो कि हल्का सा भी इफ है द रूम वो खड़े हो जाते थे तो ये जिस तरह से रिस्पेक्ट सामने वाले को मिलता है दैट्स द टाइप ऑफ रिस्पेक्ट विच मेक्स यू वेरी कंफर्टेबल विद अ पर्सन यू नो एवरीबडी इज़ अ गुड पर्सन बट इट्स हाउ यू रिस्पेक्ट एन अदर इंसान सब अच्छे ही होते हैं किसी में ईगो होता है सूरज जी में ईगो नहीं था ही इज़ टू कम टू योर लेवल एंड बिकॉज ईज़ टू कम टू योर लेवल ही कुड लिफ्ट यू अप दट्स वे तो वो हमें आपका एसोसिएशन की अगर बात की जाए तो काफ़ी पुराना आपके साथ में उनके साथ में जुड़ा हो रहा है सबसे पहले क्या आता है आपके दिमाग में जब राशरी का नाम आता है सबसे पहले राशि के नाम पे इतनी सारी फिल्में माई गॉड इतनी सारी फिल्में सालों साल से उनकी फिल्में देखते आ रहे हैं हम लोग ये नाम सो so, राशरी नॉट जस्ट हम आपके है कौन हम साथ, -साथ है या आ, मैंने प्यार किया या जो भी उनकी जो फिल्में राशरी सेवेंटी फाइव ईयर्स

And uh, it was a nice, sweet f show. I uh, uh, we had the set at Film City. Timing used to be nine in the morning to six in the evening. One shift, we used to work. Rarely, we used to go into one and a half shift. And uh, it was always smooth. It was a nice experience. I mean, Rajshri Production House in itself, if anyone gets a they should never say no. You know, because you'll always, always go home a happy person. <laughs> टी वी पर किस तरीके का uh, अनुभव रहता था आपका जब आप शूट करते थे अगर उस uh, शो की अगर बात करें आपके किरदार को भी बहुत ज़्यादा प्यार मिला है उसमें अगर उस वक्त की अगर मैं बात करूँ एक्चुअली वो किरदार ज़्यादा कुछ करने को मिला नहीं उस किरदार को इट वॉज अ वेरी सबड्यूड कैरेक्टर बिकॉज हिज हज़ वाइफ वॉज वेरी पावरफुल शी वॉज द डिसीशन मेकर वो सारी चीज़ें करती थी उसके जो फादर है जो आलोकनाथ प्ले uh, कर रहे थे ही वॉज अ मोर पावरफुल कैरेक्टर सो कैरेक्टर वाइज दिस कैरेक्टर विच आई प्लेट वॉज अ सबड्यूड कैरेक्टर जो पोज ओके यू नो ऐसा कुछ था नहीं जो आई कद से लाइक यू नो ऐसे सीन्स थे मेरे इतना कुछ था नहीं उसमें बट इट वॉज वर्किंग विद राश्रीज एंड बींग पार्ट ऑफ द टीम फिर भी उन, उन आलोक जी आपके साथ में थे और बाकी जो एक्टर्स थे टी वी के सेट का माहौल किस तरीके से हुआ करता था uh, क्या फ़र्क देखा आपने ओके okay, एज माहौल के हिसाब से देखा जाए तो ऑन टेलीविजन वी वीज टू वर्क विद टू और थ्री कैमराज मतलब टू सेव टाइम तो उस वजह से उस वजह से वी हैड अ लॉट ऑफ यू नो मेक श्योर दैट ये मार्क पे ये डालो बोलो ये पोजीशन ये होना चाहिए अ लॉट ऑफ कोरियोग्राफी इज़ रिक्वायर्ड व्हेन यू हैव अ थ्री कैमरा सेटअप तो कोरियोग्राफी ज़्यादा हुआ करती थी रिहर्सल ज़्यादा हुआ करते थे सो आई थिंक दैट्स आई वुड से द डिफरेंस बिटवीन शूटिंग फॉर मेरे रंग में रंग वाली एंड फॉर uh, हम साथ, साथ हैं काफ़ी अलग अलग समय में आपने शूट किए हैं तरह तरह के आपने रोल्स करे हैं बाबू से अगर कोई भी आप अगर एक चीज उठाना चाहें जो आज भी आप मिस करते हो तो क्या लेना चाहेंगे अब? <laughs> क्या आपके वो वो <laughs> कभी, कभी आप साथ में के आप सड़क से चल रहे हो या कहीं कि, किसी से आप मिल रहे हो किसी ने आपको उस कैरेक्टर के नाम से बुलाया हो कई बार कई बार आनंद बाबू महेश ठाकुर आनंद बाबू आप आनंद बाबू से जुड़ी हुई बातें तो आपने काफ़ी बता दी अगर जाते जाते अगर उनका कोई एक डायलॉग या जो भी उनसे जुड़ी कोई बात आप जो बताना चाहें आपके फैंस आपके दर्शकों को जिनको ये मौका दोबारा जीने का मौका मिलने वाला है भी वी ये वीडियो देखकर एक्चुअली वो एक मेन सीन था आनंद बाबू का जब वो घर लौटते हैं उनके भाई ने उसे घर से निकाल दिया है और वो राउंड टेबल पे अपनी बात बता रहा था कह रहा था कि यू नो ज़िंदगी फिर से शुरू की जा सकती है यू नो एंड आलोक नाथ खड़े होके कहते हैं कि इतनी आसान नहीं है ज़िंदगी दोबारा शुरू करना यू you नो know? तो जब वो वहाँ पे जाते हैं आलोक जी के साथ बैठते हैं तो उसके आँख में आंसू है तो उनको देखते हैं और उनका जो डायलॉग था बस अफसोस सिर्फ इतना है कि अपनों का साथ छूट गया आनंद बाबू पापा हम सबको आप पर नाज है थैंक यू बस अफसोस है तो इतना अपनों का साथ छूट गया नहीं आनंद अपने फिर एक होंगे बिल्कुल मुझे पूरा विश्वास है एक पूरा इमोशन भर के ये डायलॉग था एंड उस पॉइंट पे आलोक जी हमें गले लगा देते हैं मेरा नेचुरली आंसू निकल गया सच तो नेचुरली बिकॉज डायलॉग में इतना वजन था ऊपर से उस डायलॉग के बाद अगर आपको कोई गले लगा लेता है तो आपके आंसू भराते हैं आप कुछ भी कर लो। <laughs> इतना इमोशनल डायलॉग था वो जब उन्होंने गला लग, गले लगाया और आपने बताया भी कि मतलब कि एक इमोशंस आप दिखा रहे हैं, हैं। तो पर्सनली इस तरीके के कैरेक्टर और इस तरीके के सीन्स तैयार करने में कितना वक्त लगता है बतौर एक्टर तो आ, ये सीन मुझे दिया गया था शूट से एक दिन पहले डायलॉग्स सीन तो था लेकिन डायलॉग जो मुझे तैयार करने थे तो मैंने तैयार तो कर लिया था और उस टेबल पे बैठ के सारे के सारे एक्टर मेरी खिंचाई कर रहे थे जोक कर रहे थे बिकॉज आई वॉज क्वाइट मेरे लंबी लाइन थी आई वॉज क्वाइट एंड देर ऑल पुलिंग माई लेग ओवर तो वो पहले मेंटेन करना उसके बाद इमोशनल सीन में गिरना एंड आफ्टर दैट डू दैट इट वॉज अ टास्क बट मैनेज्ड वो सीन होने के बाद फिर सबका क्या रिएक्शन सब था थैंक यू सो मच सेट से रिलेटेड कोई खाने वाली मेमोरी या कुछ फूड से रिलेटेड जो आप बताना चाहें जो भी आप बोला uh, चाहें फिल्म में एक बहुत yeah, yeah. Stay yeah. you know, तो ही फेमस लाइन थी फैमिली दैट इट्स टुगेदर प्रेस टुगेदर ईट्स तो वही मैं कहूंगा कि इट वॉज इट्स अ फैक्ट यू नो फैमिली साथ में खाएंगे साथ में प्रार्थना करेंगे वो हमेशा साथ रहेंगे हम साथ साथ हैं सर काफ़ी अद्भुत जर्नी रही आपकी अगर आपकी जर्नी की बात की जाए लोगों ने आपके किरदार को इतना प्यार दिया आपको इतना प्यार दिया फिल्म को इतना प्यार दिया ये पचहत्तर साल कंप्लीट हो गए हैं बहुत बड़ा नंबर होता है पिछत्तर साल mm -hmm. आप किस तरीके से देखते हैं और जाते जाते क्या कहना चाहेंगे आपके दर्शकों से आप ये जर्नी बहुत ही कमाल की रही है आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट टू हैव वर्क विद राज एंड ऑन हम साथ साथ है एंड ऑल्सो बीन अ पार्ट ऑफ द टेलीविज़न सीरीज़ तो देखा जाए तो आई एम फीलिंग वेरी फॉर्चुनेट वेरी थैंकफुल और इस फिल्म की वजह से लोग मुझे जानने लगे आनंद बाबू के किरदार में जानने लगे एंड इट इज़ अ स्टेपिंग स्टोन ऑफ माई करियर बट नॉट अ स्टेपिंग स्टोन आई वुड से इट वॉज अ ब्रिज टू माई करियर काफ़ी कुछ मुझे मिला जस्ट बींग अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म द प्रोजेक्ट एंड अ पार्ट ऑफ राज 75 years. मैं चाहता हूँ कि आगे भी इन लोग ऐसे ही बढ़ते रहे एंड ऐसा ही लोग को जोड़ते रहे विद दिसवेंटी फाइव ईयर्स ऑफ देशन थैंक यू सो मच सर आप हमसे बात करने के लिए okay. बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात Thank करके एंड बहुत कुछ नया जानने को मिला आपसे थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर हैविंग मी बाय हेयर इज विशिंग राजश्री प्रोडक्शन सेवनटी फाइव ईयर्स एनिवर्सरी हम चाहते हैं कि नॉट सिर्फ 75 इयर्स हो लेकिन साढ़े सात साल से भी ऊपर जाए ये कंपनी ऑल द बेस्ट